बताइए, लास्ट आपने संधि स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो आज हम करेंगे व्यंजन संधि। रिवीजन आप लोग मत करो, मैं करवाती हूँ, शांति रखो, है ना? रिवीजन करना शुरू कर दे छोटे बच्चों की तरह, गनन 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 गनन, हाँ शोर मचा दिया। चलो देखो, ध्यान दो। यहाँ पर हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, और संधि के हमें याद क्या रखना है? हमने स्वर संधि पढ़ ली। स्वर संधि में हमने पढ़ा कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की। हमने देखा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि में हमें कितना याद रखना है? इतना एक ग्राफ याद रखना है, ए आ का मेल हो तो आ आएगा, ई का मेल हो तो ई आएगा, ऊ का मेल हो तो ऊ आएगा। दीर्घ संधि है, दीर्घ वर्ण ही आएगा, चाहे लघु का मेल हो दीर्घ से, दीर्घ का मेल हो लघु से, या लघु का लघु से, या दीर्घ का दीर्घ से। उसके बाद हमने गुण स्वर संधि पढ़ी थी। गुण स्वर संधि में हमने देखा, यदि अंतिम वर्ण पर ए या आ हो और प्रथम वर्ण पर ई होगा तो ए आएगा, ऊ होगा तो ओ आएगा, और री होगा तो आर आएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि में हमने सीखा कि यदि हमारा अंतिम वर्ण पर ए या आ का आ आया हो और इसका मेल प्रथम वर्ण पर ए आए से हो रहा हो तो आए आएगा। वृद्धि संधि, वृद्धि वाला वर्ण याद रखने के लिए बताया था। ओ आउ हो तो आउ आएगा, ठीक है। तो वृद्धि संधि में वृद्धि वाला वर्ण हमें लेना है रिजल्ट में। इसके बाद हमने यण स्वर संधि पढ़ी। यण स्वर संधि में हमने पढ़ा कि हमारा जो अंतिम वर्ण है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि उसके ऊपर वहां पर हमारा छोटा ई बड़ा ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री आए, इन तीनों में से कोई सा भी हो, और उसका मेल किससे हो? भिन्न स्वर से हो, यानी प्रथम स्थान पर कौन सा स्वर हो? भिन्न हो, इनसे भिन्न हो। तो यहां पर जो ई है वो बदलेगा य में, और ऊ है वो बदलेगा व में, और री है वो बदलेगा र में। और हाँ, यहाँ पर हमारी जो संधि है वो जो स्वर बचा है वो ज्यो का त्यो आ जाएगा। इससे पहले तीनों संधि में हमने देखा था कि दो स्वर मिलकर एक बनाते थे, पर यहाँ से हमारे जितने भी मेल होंगे उसमें दोनों वर्ण बरकरार रहेंगे, लेकिन पहला वर्ण क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसके बाद हमने अयादि स्वर संधि में पढ़ा कि यदि हमारे अंतिम स्वर पर ए आए ओ औ अगर आया हो और उसका मेल किसी भी स्वर से, अब यहाँ पे भिन्न स्वर की जरूरत नहीं, यहाँ पे यदि इसका मेल ए या आए से भी होता है तो भी रिजल्ट यही आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा ए होता है तो आए आएगा, आए होता है तो आए आएगा, ओ होता है तो अब होगा, और औ होगा तो आव आएगा, और बाद में जो स्वर है ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये हमारी संधि थी। इसको हमने पहचान करने का, ये तो था संधि को बनाने का तरीका, संधि को विच्छेद करने के तरीके के लिए। अगर आपको संधि शब्द में याद रखनी है तो कैसे याद करेंगे? बताया था दीर्घ संधि के लिए शब्द के बीचों बीच बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिखाई दे, तो उदाहरण के तौर पर जैसे हिमालय में आ दिखाई दे रहा है, नदीस में ई और भानुदय में ऊ। गुण संधि को याद रखना है तो शब्द के बीचों बीच ए और ओ ये दिखाई दे, जैसे उमेश में दिखाई दे रहा है और चंद्रोदय में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा शब्द के बीचों बीच हमें आए और आउ दिखाई देगा, जैसे सदैव में और जैसे महोज में। फिर हमने यण स्वर संधि में देखा शब्द के बीचों बीच य व और र दिखाई देगा, और इनसे पहले कोई भी वर्ण जो होगा यदि आधा होता है तो वो हमारी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। जैसे अत्यधिक, य से पहले त आधा, मध्वाचार्य, व से पहले ध आधा, और यहाँ पर मात्रादेश, र से पहले त आधा। इसके बाद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में हमने देखा शब्द के बीचों बीच य और व दिखाई देंगे और ये पूरे होंगे, यानी इनके आगे पीछे भी कोई आधा अधूरा नहीं होगा, ये पूरे होंगे। जैसे शब्द हमारा नायिका और जैसे शब्द है हमारा पवित्र। आंखें खोल के पढ़ो, बंद करके नहीं। चलिए देखिए, आज हम पढ़ते हैं
दूसरी संधि अपनी आगे, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। चलो देखो शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि हमारी क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि इसमें यदि किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो, यानी इसकी तीन कंडीशन हो जाती हैं, या तो यहाँ पर हमारा स्वर हो इधर व्यंजन आया हो, या यहाँ हमारा व्यंजन हो तो इधर स्वर आया हो, या तो यहाँ पर भी व्यंजन और यहाँ पर भी व्यंजन। ध्यान रखना जब ये कंडीशन होगी अंतिम वर्ण में व्यंजन अगर होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है शब्द के नीचे वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा। यदि उसके नीचे हलंत नहीं होगा तो हमें पता चलेगा कि अंतिम स्वर हमारा क्या, अंतिम वर्ण हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो चलिए रूल नंबर पहला देखते हैं जो हमारा इसमें रूल नंबर पहला दिया है। यहाँ पर ये स्थितियां लिखी हुई हैं, एक बार बस आपको पढ़ना है। व्यंजन संधि के सीधे नियम की बात करते हैं। यहाँ पर नियम दिया है इसने, वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, इसी पंक्ति में उसने अपनी पूरी बात कह दी है। कोई भी वर्ग है उसका पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित कब होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। या दिया है वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे चौथे या अंतस्थ व्यंजन से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बात कही है। अब इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा से शायद हमारे दिमाग में ना आया हो, हम इसको फॉर्मूला में बदलते हैं, देख लेते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया है ये तो हो गया हमारा अंतिम वर्ण, ये आपके दिमाग में ना हमेशा होना चाहिए। ठीक, कि अंतिम वर्ण हमारा कौन सा और प्रथम वर्ण, जब भी आप संधि कर रहे हैं आपके दिमाग में ये चीज एकदम से आ जानी चाहिए। संधि किस में होगी, अंतिम वर्ण में और प्रथम वर्ण में। ये अंतिम वर्ण कौन सा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पे हमारा नियम कह रहा है कि यदि अंतिम वर्ण पर कोई क हो या च हो या ट हो या हो या प हो, ये तभी आएंगे जब इनके नीचे हलंत लगा होगा। तो हमने यहां पर देखा क च ट त प, ये हमारे वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण है। ठीक है, इनमें से किसी भी वर्ण का मेल किससे हो, या तो किसी स्वर से हो, ठीक है, 11 स्वर जो है हमारे किसी भी 11 स्वर से हो सकता है, या तीसरा वर्ण। अब आपको पता है आपने तीसरा वर्ण पढ़ा है जब हमारा कौन सा होता है, ग, जैसे हम देखें ग के नीचे जितने हो गए ख घ जो है वो हमारा क्या हो गया, चौथा वर्ण हो गया। तो इसको इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे ख ग घ और ड, ये पांच वर्ण है हमारे, इनके नीचे हमारे ग्राफ रहता है पूरा। तो ये पहला वर्ण हो गया, तो इसका मेल यदि तीसरे चौथे में या फिर अंतस्थ व्यंजन यरला व उनसे अगर होता है तो ये बात कही है। तो हमारे दिमाग में ना पहला दूसरा तीसरा वर्ग वर्ण अगर आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है। इसके बाद तीसरा या चौथा या इसने कहा है अंतस्थ व्यंजन, इनमें से यदि किसी से इसका मेल होता है तो यहां पर इसका परिवर्तन क्या होगा, ये जो क है इस क का परिवर्तन होगा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो कौन सा होगा, ग। च का तीसरा वर्ण क्या होगा, ज। ट का तीसरा वर्ण क्या होगा, ड।
सब बोला करो, आपके दिमाग में तस्वीर चलनी चाहिए। और त का तीसरा वर्ण क्या होगा? द। और प का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। और बस ये परिवर्तित हो गया और यहां जो कुछ भी है वो ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। ये आपका पहला एक फॉर्मूला बन गया। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जैसे हम मान लो इसका उदाहरण लेते हैं, हमने एक उदाहरण लिया। जैसे मैं आपसे दूसरा उदाहरण लेती हूँ, जो लास्ट आपको बताया था उसमें मैंने बताया था दिक प्लस विजय। आज मैं लेती हूँ आपको उदाहरण, जैसे हम बोलते हैं भगवत प्लस गीता हम लेते हैं, ठीक है, उसको करते हैं। जैसे शब्द हो गया हमारा भगवत, इस त के नीचे हलंत है तो अंतिम वर्ण हमारा त हो जाएगा। इसका मेल किससे हो रहा है? गीता शब्द से हो रहा है। जब हम इनको एक साथ मिलाते हैं तो ये भगवद गीता हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो देखो, इसका अंतिम वर्ण है त, कौन सा? ये, ठीक। और प्रथम वर्ण क्या है? ई, ग। पहला वर्ण क्या है? व्यंजन ही है ना, तो कौन सा वर्ण है? वो तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो दोनों का जब आपस में मेल होगा तो ये त अपने तीसरे में बदलेगा। इसका तीसरा क्या है? द। और यहां पर जो कुछ भी है ना, उसे ज्यों का त्यों उतार लो। और यहां पर जो बचा उसको उतार लो। अब आपको पता है त तो द में बदल गया ना, अब जोड़ दो इसको, शब्द क्या हो गया? भगवद गीता। ये आपका शब्द आ जाता है। और कभी कभी ये द और जो ग है ना, इसको ऐसे भी करके लिख देते हैं तो ये ऐसे आ जाता है। कहीं आपको दिखे ना ऐसे, तो द के नीचे ग ना क्या करते हैं, उसको सहारा देने के लिए लगा देते हैं। तो ये चीज आपको पता है। तो इस तरह का कोई भी शब्द आएगा तो हम कर लेंगे। अब देखो, इसमें जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपने देखे तो ये आप लोगों ने लिख लिया ना। चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसमें। देखो, देखो दिक प्लस गज दिया है तो क्या बन गया? दिग्गज। आपको पता है यहाँ क्या करना है? ये अंतिम वर्ण है क, इसका मेल हो रहा है किससे? ग से। आपको रिजल्ट बना देना है, ये हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा ना। बस ऐसे ही करके आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ क है और यहाँ प्रथम वर्ण क्या है? अब ई नहीं बोलना, वर्ण क्या है हमारा? व। भले ही ये इसके आगे से दिख रहा है तो इसके पीछे ना, इजे नहीं होता, विजय होता है। अगर हमें वर्ण की पहचान ना हो ना कि कब कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम ना धीरे से उसका उच्चारण करके देख लेते। जैसे हम बोलेंगे वी ज, तो पहले व, फिर ई, फिर ज, फिर अ, फिर य और फिर अ, तो इस तरह से लिखा जाता है ना, उच्चारण करके देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये अच प्लस अंत दिया है तो ये च ज में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया? अजंत हो गया। अब ये जो बिंदी है ना, इसको यहां से धक्का मार के ना यहां लगा लो, यहां से हटा के, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। अब देखो, ये शब्द है सट, अंतिम वर्ण क्या है? ट। ये क्या है? स्वर, ठीक। तो दोनों का मेल होगा तो ये ड में बदल जाएगा। सट माने होता है छ, और आनंद माने मुख, शब्द बन गया सडानंद, जिसके छह मुख हैं अर्थात कार्तिके, ठीक है। तो इस तरह से शब्द आपको पता चल गया। अब देखो, संधि पता चली आपको पहली चीज, फिर इसका अर्थ पता चला। अगर किसी को छह बोलना है तो सट भी बोल सकते हो, ठीक। दूसरा, साथ ही साथ समास पता चला, कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्योंकि अर्थात। और साथ ही साथ आपको कार्तिके का दूसरा नाम पता चला, ठीक है। तो यानी आप इस तरह से सारी चीजों को याद करिए तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। जैसे हाँ जी, छह मुख कैसे हो सकते हैं? आप वो अपना दिमाग मत लगाओ, होने दो, जैसे छह मुख है वो हो रहे होंगे। आप ये सोचने बैठोगे फिर कहोगे दस मुख कैसे हो सकते हैं?
हाँ तो एक आध एडजस्ट हो गया होगा थोड़ी थोड़ी जगह लेके, है ना। चलो हाँ ये भी बात कुछ पूछने की है। चलो हाँ ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ दूसरे नंबर पर। चलो देखो यहां पर दिया है, अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले वर्ण का पांचवे वर्ण में परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, का यदि पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण का मतलब है पंचमा अक्षर, आपको याद होगा, देखो हमने वर्णमाला पढ़ा, नासिक वर्ण किसे कहते हैं, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, पंचमा अक्षर किसे कहते हैं, सारे सबके एक ही नाम थे। अब यहाँ पे ये कुछ भी लिखे, अब इसने एक और चीज यहाँ लिखी है, वस्तुतः केवल न और म, तो वस्तुतः केवल न और म इसने क्यों लिखा है वो समझ लो। जैसे यहाँ पे कहा है कि यदि पहले वर्ण का मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक वर्ण से हो रहा है, तो जो पहला वर्ग वर्ण है वो क्या होगा, पांचवे वर्ण में मतलब हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, अच्छा मुझे लगा कि वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यानी वो उसी वर्ग का पंचवा अक्षर यानी पांचवा अक्षर हो जाएगा जिससे वो मेल कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे न और म लिख दिया, ये क्यों लिख दिया है, आपको पता है ये जो हमारा अड़ा और ये ण और न, ये तीन हमारे एक ऐसे हैं जो जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जब इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती तो ये आपको प्रथम स्थान पे तो मिल ही नहीं सकते ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, न और म। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा सीधा नियम को पढ़ते हैं और नियम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम नियम को समझेंगे ऐसा सोच के लगेंगे तो शायद हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, तो हम नियम कैसे पढ़ते हैं वो देखो, लिखना है उसको मेरे साथ उतार लेना। जब देखो हम यहां पर लिख रहे हैं, हमने गलत मिटा दिया, अभी हम इसको ही वापस कर सकते थे, जैसे देखो हम इसे हटा देते हैं, बात अब क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि हमारे जो ये वर्ण थे, हमने जो यहाँ लिखा था ये पहला क और वर्ण अंतिम स्थान ये सारा, इसका मेल अब क्या हो रहा है, रूल नंबर टू कह रहा है इतना बचता है अब हमारे पास, ठीक है इसी को हम आगे पढ़ते हैं, कहा है इन्हीं पहले वर्णों का मेल यदि किससे हो, पंचमाक्षर से हो, तो हम यहाँ पर या तो अनुनासिक लिख ले या सीधा पंचमाक्षर लिख ले, हमें पहचान है ना हमारे पंचमाक्षर हैं कौन से, कोई सा भी आ जाएगा प्रथम स्थान पर जो होगा, ठीक है, कि यदि इन पांचों वर्णों का मेल किसी भी पंचमाक्षर से होता है तो ये जो है ना ये अपने अपने पंचमाक्षर में बदलेंगे, पहले वर्ण अपने पंचमाक्षर में, जैसे का बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, ठीक है, च बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, ट बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, त बदलेगा अपने पंचमाक्षर में और प बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, इसमें कोई दिक्कत, आराम से आ जाएगा ना, ये यहां पर ज्यों का त्यों आ जाएगा, बस इतना सा है, एक नियम आपको याद करना है, उसी में थोड़ा सा आपको उसको सही करना है, ठीक है इसे उतार लो। इसके बाद मैं उदाहरण बताती हूँ आपको, देखो उदाहरण के लिए हम इसमें ले लेते हैं, जैसे मान लो हम, मैं दो शब्द लूंगी, ठीक पहले एक लेती हूँ, जैसे शब्द लिया हमने वाक प्लस मय, अब देखो एक मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर तब लिखना, अंतिम वर्ण क्या हमारा बोलो क, प्रथम वर्ण क्या पंचमाक्षर है ना, दोनों का मेल होगा तो क अपने पंचमाक्षर में बदलेगा, इसका पंचमाक्षर क्या है, यहां पर जो शब्द दिया है ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहां पर आपके पास बच गया ये, इसको लिख दीजिए, अब आप इसको जोड़ देंगे, ये आ गया, क्या कहेंगे आप इसको, अरे
मैंने आप लोगों को बताया कि पंचमाक्षर को आप किसका साउंड देते हैं, अंग का साउंड देते हैं ना, तो ये वांग में हो गया, ठीक है, वांग में, ठीक, इसका साउंड इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप इसको बिंदी में नहीं बदल सकते, आपको पता है क्यों नहीं बदल सकते बिंदी में, क्योंकि दादाजी साथ में नहीं है, अब ये अपना लिफाफा किसी को नहीं देगा, पीछे देखो, पीछे तो पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी को नहीं देगा ये, तो ये उसी को अपना लिफाफा देगा जो इसके घर का होगा। अब इसके घर का व्यक्ति नहीं है तो लिफाफा नहीं देगा, पता है पिटाई बहुत होगी इसकी, है ना। तो ये वांग में होता है, अब वांग में का मतलब होता है साहित्य, संस्कृत भाषा का शब्द है, वाक का मतलब होता है बातचीत, और मैं मतलब पूरी तरह से। तो साहित्य क्या होता है, वो बातचीत और मनो जो हमारे मतलब मनोभाव होते हैं उन्हीं में तो पूरा रंगा हुआ होता है साहित्य, तो इसीलिए वाङ्मय का मतलब क्या होता है, साहित्य। उतार लीजिए इसको, एक उदाहरण और आपको देती हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि वर्तनी शुद्धिकरण के लिए कोई शब्द, मैंने कहा लिखिए जगन्नाथ, तो मैंने कहा जगन्नाथ लिखना है, तो अक्सर विद्यार्थी क्या लिख देते हैं, जगत, या इसको आधा ही बनाते हैं, जगतनाथ लिख देते हैं, और बोला क्या गया था, जगन्नाथ बोला गया है। तो देखो इसको कैसे करना है, ये हमारा शब्द गलत हो जाता है, मिटा दूं, ये उतार लिया होगा। आपको ध्यान ये रखना है, शब्द है हमारा जगत, इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मेल किससे हो रहा है, नाथ शब्द से हो रहा है। सीधा सिंपल सा हमारा नियम काम करता है, अंतिम वर्ण है तो मेल किससे हो रहा है, पंचमाक्षर से, दोनों को जब आपस में मेल करेंगे तो ये अपने पंचमाक्षर में बदलेगा। ता का पंचमाक्षर क्या है, ना, यहां पर आ गया। अब इसके बाद देखो बचा हुआ ये शब्द, आप इसको जोड़ देंगे, शब्द क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैडम जब जगत प्लस नाथ से बना ये शब्द तो जगन्नाथ क्यों हुआ, आपको पता है किसके वजह से हुआ, संधि के नियम की वजह से हुआ, और आपको पता है जब आप इसको खोल कर लिखेंगे तो ये जगत प्लस नाथ ही लिखा जाएगा। तो देखो अब आपके दिमाग में ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम इसके साथ तो इसके परिवार का व्यक्ति है तो ये तो बिंदी में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बताया था एक बच्चा दूसरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, और वो बच्चा ही है, पंचमाक्षर ही है, और वैसे भी वो स्वर के साथ आया है, शादी कर चुका है, तो वैसे भी वो नहीं करेगा देखभाल अपने भाई की, उसे पता है वो अपनी ही करेगा, है ना। तो जगन्नाथ ऐसे ही लिखा जाएगा, बिंदी नहीं बना सकते। देखो ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों पहले मुझे मैं देख रही थी, मैं हालांकि हर टीचर का सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं है, सब टीचर सही पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप हिंदी पढ़ा रहे हो ना तो विद्यार्थियों को ऐसे बताओ कि कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़ो, कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ कि उन्हें ये समझ में ना आए कि ये आया तो क्यों आया। हम हिंदी पढ़ें, मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, या जो भी पढ़ें, हर चीज़ के पीछे ना लॉजिक होता है और उस लॉजिक को पूरा समझाना चाहिए। यदि हमने एक शब्द में उस लॉजिक को समझा दिया ना तो हमारा विद्यार्थी अगले दूसरे शब्द में वो गलती नहीं करेगा, उसे हर शब्द को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि आप तो निधि एकेडमी में पढ़ते हो, तो आपको पता है ये दादाजी, ये पंचमाक्षर, ये बच्चा, ये भाई और ये जितने भी सारे रिश्तेदार हैं ये कौन है। तो आपने सबने वर्णमाला और वर्तनी में इस चीज़ को पढ़ा है, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला रूल हमारा देखो। देखो व्यंजन संधि के साथ क्या होता है, इसके मेन रूल ना ये दो ही हैं, पहला और दूसरा। कभी ऐसा भी हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो, विद्यार्थी ने पूछा था मुझे कि मैडम ये जरूरी तो नहीं है यहाँ पर हमेशा पहला ही वर्ण हो, यहाँ पर दूसरा वर्ण भी आ सकता है, ख आ सकता है, छ आ सकता है, इस तरह से। तो देखो ध्यान रखना, यदि ख छ या ठ आता है
और उसका मेल यहां किसी से भी होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्योंकि जहां पर संधि है और जहां परिवर्तन है वो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, और जहां पर अगर इस तरह की जो कंडीशन दी है वो नहीं आते तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। व्यंजन संधि में हमारे दो नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं नीचे, ये वे नियम हैं जो इनमें नहीं आते या फिर इनका कोई अपवाद हो। ठीक है, कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसका वो अपवाद भी हो सकता है। तो रूल नंबर 3 उसको देखो क्या कहता है, 6 संबंधित नियम। जैसे ये जो हमारा 6 है, आप लोगों को पता है कि हमारा 6 वर्ग का दूसरा वर्ण है और दूसरे वर्ण का हमने कोई नियम बताया नहीं है। तो यहां पर इसमें दिया है कि ये जो 6 है यानी दूसरा वर्ण है, इसके लिए हमने एक नियम लिया जो हमारे वर्णों के अंदर आता है। तो यहां कहा है इस नियम ने कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल किसी 6 से करते हैं तो इस 6 से पहले 6 वर्ण का आगमन हो जाता है। इसको समझिए, नियम को कैसे समझिए, क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि यदि अंतिम यानी जो ये प्रथम वर्ण है इसका पहला वर्ण अगर 6 है और इसका मेल किससे हो रहा है, किसी ह्रस्व स्वर से, और आपको पता है इस ह्रस्व के अंदर कौन कौन है, ए, ई, ऊ और री, और साथ ही साथ ये और बोल रहा है कि कौन सा बड़ा आ, इन 5 वर्णों में से किसी का मेल यदि 6 से होता है तो जब ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन क्या होता है कि एक नया वर्ण आ जाता है और ये जो दोनों वर्ण हैं ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। समझ गए आप? ठीक है, यहां पे कहा है कि अगर इनसे किसी का मेल हो तो एक नए वर्ण का आगमन होगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे यहां पे दिया है 6 का मेल किससे हो रहा है, अ से हो रहा है, दोनों का मेल होता है तो एक नया वर्ण आता है च, ये पीछे वाला इसके साथ आ जाएगा जो का त्यों जुड़ जाएगा, आगे वाला जो का त्यों जुड़ जाएगा, शब्द क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। देखो अंतिम वर्ण उ प्रथम वर्ण छ दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक नए वर्ण का आगमन हो रहा है, किसका, च का हो रहा है। मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, देखो वर्ण को बताती हूँ, ऐसे आगे पीछे इसे जोड़ दो, शब्द में देखते ही समझ में आ जाएगा, अनुच्छेद आ गया। जैसे परि प्लस छेद, आगे बीच में नए वर्ण का आगमन हो गया, परिच्छेद हो गया। वी प्लस छेद, बीच का वर्ण यानी च वर्ण का आगमन हो गया, विच्छेद हो गया, शब्द हमारा बन गया। ठीक है, उदाहरण आप यहाँ पर उतार लीजिए, इस तरह से कर सकते हो, लिख लीजिए ताकि आपको याद रखे। जैसे मैंने मान लो हमने परि प्लस छेद या अंतिम वर्ण छोटा ई है, प्रथम वर्ण हो गया हमारा छ, दोनों का मेल पे च हमारा आ गया है, आगे पीछे हमने लिख दिया जो वर्ण दिया है वैसे ही, और एक नया वर्ण हमारे सामने बन गया परिच्छेद, नया शब्द। ठीक है, उतार लीजिए इसको। थोड़ा सा तेज गति से हाथ चलाया करो, ठीक है, जल्दी करो। आज आप लोगों को संधि विच्छेद भी सिखाऊंगी, व्यंजन संधि का, फिर साथ ही साथ काम निपटा देंगे एक बार सीखने के बाद। और देखो अपने दिमाग पे ना स्ट्रेस मत लिया करो बहुत ज्यादा, ये लगने लग जाए कि इतने सारे नियम कैसे याद करेंगे। आप एक बात याद रखना है, जहां आप 500 शब्द रट रहे थे वहां पे आपको 5 ही नियम रटने हैं, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मिटा दूं इसको यहां पे हमारा। अब देखो ध्यान दो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त हमारा एक ऐसा वर्ण है जो अपने साथ 4-5 नहीं 6-7 नियम बनाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से। आपके एग्जाम में ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है यहां पर,
ये आपको वर्तनी शुद्धिकरण के लिए इसको दिमाग में रखना है। एक बार शब्द को बनाना सीख जाएंगे फिर आपको शब्द याद हो जाएगा। तो देखो यहां कहा है यदि त के बाद कोई च या छ आए तो त का च हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अंतिम वर्ण पर कौन सा वर्ण, बोलो त, इसका मेल किससे हो रहा है, किसी च या छ से। आपस में मेल होने पर ये त किस में बदलेगा, च में बदलेगा, और यहां जो कुछ भी है ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये नियम है, दिमाग में क्या रखना है इसे रखना है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शब्द दिया है हमारा उत प्लस चारण, त और च इनका मेल आपस में होगा, त किस में बदलेगा, शब्द ज्यों का त्यों उतर जाएगा। यहां बचा हमारे पास यहां क्या, उ, और शब्द जुड़कर हमारा क्या आ गया, उच्चारण। उतार लीजिए आगे शब्दों का एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके एग्जाम में वर्तनी में ये शब्द पूछा जाता है, आपके एग्जाम में वर्तनी में ये शब्द पूछा जाता है। जगत छाया लिखने को आता है, हम जगत छाया लिख देते हैं, और शब्द क्या होगा, जगत। त का मेल किससे हो रहा है, छ से। दोनों के मेल पर त किस में बदलेगा, च वर्ण में बदलेगा, और शब्द क्या हो जाएगा, जगत छाया। बताइए, ये बताइए आपको समझ में आ रहा है शब्द की नहीं, कि ये इस तरह के शब्द हमारे एग्जाम में हमें दिक्कत करते थे, कैसे इनको सही करें, कैसे करें। अब हमें अपने आप पता चल रहा है कैसे सही करना है इन लोगों को, ठीक है। मिटा दूं उसे, आगे देखो अगला नियम लिख लिया, जल्दी हाथ चलाओ हो गया। उदाहरण तो आप लोग कर सकते हो, देखो तुम शॉर्टकट मारते हो है ना, शॉर्टकट मत किया करो, दोबारा जरूरत पड़ जाएगी नहीं तो। अब मैं इतना धीरे पढ़ाती हूँ ना आराम से, ताकि आप आराम से कर सको। मेरा कहने का मतलब है ढाई महीने की बजाय 3 महीने ले लो इस बार हिंदी को पढ़ने में, एक बार, लेकिन एक बार ऐसे पढ़ो ना पूरा कंप्लीट। और एक चीज और दिमाग में रखा करो, जब यहाँ बैठते हो ना मेरे सामने, तो यहाँ जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक एक मंत्र का जाप किया करो। क्या है वो मंत्र, मेरी सरकारी जॉब लग चुकी है और मैं यहाँ ट्रेनिंग में बैठा हूँ। किसी से कोई और बात नहीं करनी, अपने आप से बस ये बोलना है। ये ऐसा मंत्र है ना, यही मंत्र आपका उद्धार कर देगा, सही बता रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये लॉ, मतलब अपनी चीजों को अट्रैक्ट करोगे वो जल्दी आपके पास आएगी। और पढ़ाई कर लिया करो साथ के साथ, रटने से भी काम नहीं चलेगा। देखो दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि त का मेल किससे हो, किसी ज या झ से हो, तो अब ये त किस में परिवर्तित होगा, ये होगा ज में। और यहाँ पर जो कुछ भी है ज्यों का त्यों आ जाएगा। अपने दिमाग में बस इतनी सी बात रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे शब्द है हमारा उत प्लस ज्वल। याद करो वो पहला दिन जब आप मेरे पास पहले दिन आए थे, मैंने यही शब्द बताया था आपको, है ना, कि संधि में होगा। उस समय कहा था यदि त का मेल ज से होता है तो ये त किस में बदल जाता है, ज में। और यहाँ पर ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ज आधा है, बचा हुआ शब्द उ जोड़ के लिख देंगे, यहां लिख रही हूं, शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। पता चल गया हमें, दोनों ज हमारे आधे इसलिए हैं क्योंकि ज्वल में भी आधा आधा ज है, और त तो बना ही है, स्वर यहां आया नहीं बीच में, दोनों ज आधे हो गए। और ये उज्ज्वल, ये किसी का नाम भी हो सकता है, और नहीं तो इसका अर्थ होता है उजाला, प्रकाश। और जिस शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, वही पे हमें वर्तनी को अपना ध्यान में रखना है। हो सकता है किसी का नाम में, कोई अपने नाम में ज पूरा लिखता हो तो वो उसका नाम है, लेकिन जब उज्ज्वल शब्द का प्रयोग उजाला के लिए किया जाएगा तो इसकी वर्तनी ऐसे होगी। जैसे देख लो, सत प्लस जन तो सज्जन हो गया, विपत प्लस जाल विपत जाल हो गया, उत प्लस झटिका उज्झटिका हो गया। और जैसे शब्द दिया जगत प्लस जननी जगत जननी हो गया, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वर्तनी शुद्धिकरण में, और उज्ज्वल, ठीक है। मिटा दूं इसको,
जगत की माता, जगत की जननी, ठीक है। देखो आपने क और ख नियम याद किया। अब इसमें ना ट्रिक बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा यार दोनों का पता नहीं कैसे हुआ, कैसे याद करना है, आपको याद करना है, तरीका बताती हूँ। आप च वर्ग को जानते हैं, च छ ज और झ, फिर ये पांच वर्णों के बारे में आप जानते हैं। देखो कुछ नहीं, आपके इसमें क्या हुआ है, त का मेल पहले और दूसरे से हुआ इनमें से किसी से, तो त किस में चेंज हो रहा है, च में हो रहा है, और त का मेल तीसरे और चौथे से हुआ तो दोनों ही कंडीशन में जो त है वो किस में हो रहा है, ज में हो रहा है। ये रूल नंबर क, ये रूल नंबर ख, दो एक साथ याद हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक लिखना चाहते हो तो लिख लो बगल में कहीं छिपा के, दिमाग में रखना चाहते हो दिमाग में रख लेना। मिटा दूं इसको, लिख लिया। चलो जब मैं यहां समझा देती हूं फिर आपको जरूरत नहीं है यहां देखने की, तब तो आपका पेन सीधा चलना चाहिए। स्मार्ट बनो, आपका दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलना चाहिए, है ना। हाँ कौन थे चाचा चौधरी, नहीं पता तुम्हें, बचपन में नहीं पढ़ी थी आपने चाचा चौधरी की कहानियां, जो कॉमिक्स आती थी, हम तो बहुत पढ़ते थे किताब में छिपा के। हाँ पिटाई भी हो जाती थी कभी कभी उसे पढ़ने के लिए, तो कहते हैं ना चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसमें ये डायलॉग आता था बार बार। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था, आपका दिमाग उनसे भी तेज चलना चाहिए, है ना। चलो देखो तीसरा नियम, यदि त के बाद ट ड ल हो तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। यहाँ तीन नियम थे, इन तीन नियम को मैंने एक जगह जोड़ा है। यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है ट ड ल यदि इनका मेल त के साथ होता है तो ये उसी रूप में बदल देते हैं जिससे ये मेल हो रहा है। तीन को अलग लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ट का मेल यदि इसके साथ हो रहा है आपस में तो त हमारा किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा, और यहाँ पर ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। यदि हम देखें त का मेल किससे हो रहा है, ड से हो रहा है, तो ये त ड में बदलेगा और ये ड ज्यों का त्यों आ जाएगा। यदि ट का मेल किससे हो रहा है, ल से, तो ये ट ल में बदलेगा और ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, मान लो हमने लिखा तत् प्लस लीन, त है और ये ल है, दोनों का मेल करेंगे आपस में त बदलेगा ल में, यहां शब्द आ गया ज्यों का त्यों और यहां पे बचा हुआ त, शब्द क्या हो गया तल्लीन। तल्लीन का मतलब होता है पूरी तरह से लगा हुआ, ठीक है, इस तरह से शब्द बन जाएगा। उदाहरण दिए हैं व्रत प्लस टीका, व्रत टीका हो गया, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत् प्लस लास उल्लास हो गया, उत् प्लस लेख उल्लेख हो गया, ठीक है। देखो अब हमने रूल नंबर क ख और ग पढ़ा, अब इसके त के साथ दो नियम और हैं, लेकिन उन दो नियम में कहानी बदल जाएगी। अभी तक हम कहानी पढ़ रहे थे घुसपैठिए की, पाकिस्तान से घुसपैठिए आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी लोगों ने पहचान लिया, मारपीट के उनको बदल दिया और साथ में निगरानी रखने आ गए। अब ये था इतने दिनों से पाकिस्तान घुसपैठिए भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, हिंदुस्तान में कोई विस्फोट हुआ नहीं है, अब वो बेचैन हो गया भाई कुछ तो किया जाए, तो बौखला के उसने धमकी दी कि परमाणु बम गिरा दूंगा। अब आपको पता है हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी कह दिया हमने कौन सा खेलने के लिए रखे हुए हैं, इशारों में समझा दिया, तो सोचा उसने कि यार मैं अगर इन पे एक बम गिराऊंगा तो इनका थोड़ा बहुत हिस्सा क्षतिग्रस्त होगा, और इन्होंने अगर एक गिरा दिया तो मैं एक बार में नष्ट हो जाऊंगा पूरा, तो सोचा कि नहीं थोड़ा कम
अलग तरीके से करते हैं, जो उसे भारत डर भी जाए और मेरा भी नुकसान ना हो। तो उसने मिसाइल भेजी हिंदुस्तान के ऊपर। अब वो क्या जानता है कि हिंदुस्तान के पास एंटी मिसाइल नहीं है, हिंदुस्तान के पास भी एंटी मिसाइल है, तो उसने वहां से मिसाइल भेजी। और देखो ये कहानी बस बना रही हूँ दिमाग में, ऐसा होता नहीं है कभी। तो वहां से वो मिसाइल भेजता है, हमारे पास एंटी मिसाइल है, दोनों मिसाइल जाके कहाँ टकराती है, आसमान में दोनों टकराती है, दोनों ही नष्ट होके नीचे गिरेंगी। तो साबित की साबित तो नहीं गिरेंगी ना, दोनों टूटेंगी आपस में। तो जो पाकिस्तानी मिसाइल है वो पाकिस्तानी मलबे में गिरेगी, और जो हिंदुस्तानी मिसाइल है वो हिंदुस्तानी मलबे में, ठीक, हम उसे यही कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे दो वर्ण आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, ये वर्ण भी बदल जाता है और ये वर्ण भी बदल जाता है। तो बस उसी को यहाँ पे पढ़ना है आगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये घ और ड, ये जो नियम है, यानी चौथा और पांचवा जो नियम है, इसमें क्या होता है, इस वर्ण का मेल हो रहा है, इस वर्ण का मेल हो रहा है, दोनों आपस में मिले टकराए, लेकिन परिवर्तन दोनों का हो रहा है, इसका भी परिवर्तन हो रहा है और इसका भी परिवर्तन हो रहा है, और तब दोनों ये प्लस हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे कहता है यदि त के बाद स हो, कौन सा, तालु स, ठीक है, इसे पढ़ेंगे या तो संजम वाला स पढ़ लो या तालु स, ठीक। तो त का च और इस स का छ हो जाता है। देखो इसको समझो, नियम से समझो, ग्राफ से। का यदि त का मेल किससे हो, किसी स से हो, कौन सा स, तालु स, ठीक है। जब इनका आपस में मेल होगा तो ये दोनों परिवर्तित होंगे, त बदलता है किसमें, च में, और ये जो स है ये बदलता है छ में। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं स के नीचे हलंत लगा लूं तो नीचे क्या परिवर्तन आएगा, यदि मैं यहां पर हलंत लगा दूं तो यहां क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर से आ निकाल दिया तो नीचे से भी आ निकाल देंगे, यहां भी हलंत आ जाएगा। अगर मैं यहां हलंत न लगाऊं तो यहां भी हलंत न लगाने की जरूरत है। कहने का मतलब है स्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर जो होगा वही रहेगा, ठीक है। तो ये नियम हमारा आ गया। अब देखो मान लो हम ये उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा शब्द दिया है उत प्लस श्वास, अंतिम वर्ण क्या है त, प्रथम वर्ण क्या है स, दोनों का मेल करेंगे त किस में आ जाएगा, अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगी, अभी ध्यान दो यहां पर, त बदलेगा किस में, च में, और ये स बदलेगा किस में, छ में। अब ये बताओ ये सब पूरा है कि आधा है, आधा है, तो नीचे हलंत लगेगा, छ के नीचे हलंत लगा लेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी बचा है जो कहते उतार लेंगे, ये यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों को यहाँ लिख ले, जोड़ के जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आधा छ, तो ऐसे आ जाएगा। आपको पता है छ आधा नहीं बन पाता, तो हम छ को हलंत की मदद से आधा बना देंगे, और ये शब्द यहाँ पर पूरा आ गया, शब्द क्या बन गया हमारा, उच्छ्वास। और उच्छ्वास का मतलब होता है सांसों का तेज गति से चलना, ये तत्सम शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा में बोलते हैं जब सांसें तीव्र हो जाती है तो उच्छ्वास। शब्द इस तरह से चेंज हो जाते हैं, इस तरह से बदल जाते हैं, कुछ भी नहीं है शब्दों में, बस डर लगता था आप लोगों को कि कैसे होगी संधि कैसे नहीं होगी। और इसमें भी सबसे हल्का ये है, जब मैं आपको ये बता रही हूँ पूरा, कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से आपके न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, और अगर आते हैं तो सिर्फ ये पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, ना तो बनाने के लिए आता और ना ही संधि विच्छेद के लिए आता। आपने बस इतना सा याद कर लिया ना, उसके बाद आपको देखो संधि विच्छेद भी आप यूं कर दोगे चुटकियों में। आपको याद है मैंने स्वर के लिए आपको संधि विच्छेद पढ़ाई थी। अब देखो अगर आपको इसी को करना है, आपको ये नियम अपने दिमाग में रखना है बस,
संधि यहां हो रही है ना, रिवर्स कर दो इसको, ये च और ये छ। आपको पता है कि च में कौन सा वर्ण बदलता है, कौन सा वर्ण बदलता है, त, तो आप इसको बदल लो। और आपको पता है कि छ में कौन सा वर्ण बदलता है, बाकी जो आगे पीछे इनके उनके साथ जोड़ दो इनको टुकड़ों को। आपको पता ही है ऐसे लिखा जाएगा, आपको पता ही है ऐसे लिखा जाएगा। कुछ है संधि विच्छेद में, बनाने से ही आएगी, एक बार बनाओगे आ जाएगी अपने आप। ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी चीज है, संधि विच्छेद नहीं हो रहा, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, आराम से आ जाएगा। आ गया ना, उतार लिया, चलो आगे बढ़ते। दूसरा नियम क्या कह रहा है, त के बाद त के बाद यदि कोई ह आया हो तो त के स्थान पर हो जाएगा द और ह के स्थान पर हो जाएगा ध। सेम टू सेम, बिल्कुल वही बात कही है। यदि त का मेल किससे हो रहा है, किसी ह से हो रहा है, दोनों का मेल होने पर त बदलेगा किसमें, द में, और ये ह बदलेगा किसमें, ध में। ठीक है, आगे जो भी आगे पीछे रहेगा वो जो कहते हो आ जाएगा। शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने शब्द लिया उत प्लस हार। मुझे ये बताइए, ये जो हार शब्द है इसका पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण क्या है, ह। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ कर लिख दूं तो कुछ आप लोगों को आपत्ति, अभी लिख सकते हैं वर्ण को निकालने के लिए। इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो इसको हम नीचे लिखें, ठीक। अब आपको पता है ये त और ह का जब मेल होगा तो ये त किस में बदलेगा, द में, और ये ह किस में बदलेगा, ध में। ऐसे बदल गया, यहां पर जो बचा है वो लिख लेंगे, यहां पर जो बचा वो लिख लेंगे। अब आपको पता है ये इस ध को पूरा करेगा, पूरा हो गया ध। आपको पता है ये द ऐसे आ गया, ये बचा हुआ शब्द आ गया इस तरह से। आपको याद है जब वर्तनी हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये वर्ण क्या करता है, जब ये द बेचारा आधा है तो ध क्या करता है, उसे गोद में उठा लेता है। ये द आधा है, ध ने आकर इसको गोद में उठा लिया और ये शब्द हमारा इस तरह से हो गया। आप चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये आपका मानक है, मानक शब्द आपको लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया, उतार लो। शब्द दिया जैसे तत् प्लस हित तो तद्धित हो गया, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हृत उद्धृत हो गया। ठीक है, इसको मैंने खोल के इसलिए लिखा है कि ये द हमारा आधा, ध के नीचे रि की मात्रा, तब ये ऐसे बन जाएगा। हम क्या करेंगे, जब द इस ध को गोद में उठाएगा तो इसकी मात्रा यहां लग जाएगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो, अब तो होशियार हो गए हो, अब सारी चीजें शब्दों को देखते ही समझ जाओगे कहां क्या है इसमें। मैंने कहीं ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं है, बस शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दीजिए। जो एक बार पढ़ा दिया वो दोबारा भूलना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मां संबंधित नियम, ये जो मां संबंधित नियम आप पढ़ेंगे ना, आपको अगर थोड़ा सा भी आप अगर किसी चीज को रिलेट करने में एक्सपर्ट हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा वर्तनी का वो दिन, जिस दिन मैंने आपको अनुस्वार और पंचमाक्षर में अंतर बताया था और पढ़ाया था और कहा था कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये अनुस्वार है या पंचमाक्षर है।
आपको पता चलेगा हमारी जो संधि है ना वो भी इस नियम को फॉलो करती है जो हमने उस समय सीखा था। जैसे यहाँ पे दिया है माँ का मेल, माँ संबंधित नियम है, तीन नियम इसके अंदर दिए हैं। पहला नियम माँ का मेल क से लेकर माँ तक, और क से लेकर माँ तक कौन से वर्ण है हमारे, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यदि उनसे होता है तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। इसको समझने के लिए हम नोट खोलते हैं, यहां चलते हैं। ये कहना क्या चाहता है, इसका नियम क्या है? नियम ने कहा है हमने अंतिम स्थान पर माँ रखा है, इस माँ का मेल किससे हो रहा है, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण से हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे हम अगर स्पर्श व्यंजन के वर्ण किसी भी वर्ण की बात कर रहे हैं तो 25 वर्ण है उसमें। मैं वर्ग को हिसाब से लिख लेती हूँ यहाँ पर कि अगर क वर्ग से होगा, ख च वर्ग से होगा या ट वर्ग से होगा, तो हम यहाँ पर प्रथम पर क्या लिख लेते हैं, यदि किससे हो रहा है क वर्ग से या च वर्ग से, अभी ये उतार लो मेरे साथ यहाँ पर, या ट वर्ग से या त वर्ग से या प वर्ग से, ठीक है। इनमें से किसी के साथ किसका मेल हो, इस म का, तो परिवर्तन क्या होता है। देखो अब आपको यहां पर समझना है, सबसे पहले यदि इस म का मेल इस क वर्ग से होता है, देखो आप बहुत स्मार्ट हो, मैं जो यहां पर साइन लगा रही हूं ना आप उनका मतलब समझना। यहां पे कहा है माँ का मेल यदि क वर्ग से होता है तो ये जो माँ है ना ये माँ किस में बदलेगा, क के पंचमाक्षर में बदलेगा। क का पंचमाक्षर क्या रहा है आपको पता है। यदि इस माँ का मेल इस च वर्ग से होता है तो ये माँ च वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, ठीक है। यदि इस माँ का मेल इस ट वर्ग से होता है तो ये माँ ट वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। अब आपको इसका पंचमाक्षर पता है। यदि इस माँ का मेल इस त वर्ग के पंचमाक्षर यानी त वर्ग से होता है तो ये माँ त के पंचमाक्षर में बदलेगा, इसका पंचमाक्षर क्या है। यदि इस माँ का मेल इस प वर्ग के पंचमाक्षर यानी सॉरी प वर्ग से बदलेगा तो ये माँ किस में बदलेगा, प के पंचमाक्षर में। अब ध्यान देना यहां पर हमारा जो भी आया है ये यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, ज्यों का त्यों यहां पर रिपीट होगा, ये हमारा नियम। येलो दिख रहा है कलर इस पे साफ, चलो देखो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम ना एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। जैसे देखो शब्द दिया है हमारा सम प्लस कलन, अंतिम वर्ण क्या है म, और मेल किससे हो रहा है क से, दोनों का मेल होगा तो ये म किस में बदलेगा, क के पंचमाक्षर में, ठीक है। यहां पर ये जो कुछ भी है ज्यों का त्यों आ जाएगा, पूरा लिख लिया हमने। यहां पर ये जो हमारा बचा ये आ गया, अब इसको जोड़कर लिख दो, हमने शब्द को इस तरह से जोड़कर लिख दिया, शब्द क्या हो गया, फिर से अंग पढ़ो संकलन, ठीक है। आपको पता है इस बच्चे के साथ अब तो इसके दादाजी आए हैं, और जब इस बच्चे के साथ इसके दादाजी आए हैं तो ये अपना रूप परिवर्तित कर सकता है, तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। अगर कोई भी पूछेगा कि ये बच्चा किस परिवार का है, आप इसके दादाजी से पहचान सकते हैं कि ये बच्चा कौन है, ठीक है। उतार लीजिए, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है, लिख लो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, बच्चे ही तो हो।
हो जाती हैं गलतियाँ, कोई ऐसा नहीं है, इंसान हैं, गलती करते हैं। अभी अगर ऐसी गलती हो जाती है ना, रफ से लिख लिया करो, रफ पे लिख लो, दोबारा उसे सही कर लो, घर जाके उसे कर लेना सही, ऊपर से कागज चिपका देना। हम तो जब हमसे गलती हो जाती है, एक शौक था हमें बचपन में, नहीं शौक भी नहीं, हमारे एक टीचर थे, वो अगर गलती हो गई ना, शब्द कहीं गलत हो गया तो बहुत कुटाई करते थे, एक गलती पे 10 डंडी मारते थे। तो आप जब नोटबुक चेक करते थे तो हम क्या करते थे, अब गलती हो गई या तो हम फ्लूट लगाते थे। अब उतना उस टाइम में था नहीं भाई, घर से भी घर वाले उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं देते फालतू चीज़ों के लिए, तो हम क्या करते थे, सफ़ेद जो कागज़ होता था उतने आकार का कागज कटिंग करते थे और गम से उसे चिपका देते थे ऊपर, अब हो गया, फिर उसके बाद उस पर लिखते थे उस शब्द को, तो व्यवस्थित रहती थी वो, थेगली दिखती थी कि हाँ ये है, लेकिन कापी बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती थी। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर हो गया है तो अपनी तरफ से लिख के ऊपर से चिपका देना, भाई ये गलती हो गई, भूल चूक माफ, उतार लो, उतार लिया आप लोगों ने। चलो देखो, ध्यान दो, हमारे यहाँ पे और भी शब्द दिए हुए हैं। जैसे शब्द हमारा दिया है यहाँ पर सम प्लस कलन, ये तो हमने किया ही था, संकलन आ गया, इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सम प्लस गति, ग आया है तो ये फिर से इसी में बदलेगा, क परिवार का है, संगति हो गया। जैसे सम प्लस च, तो च आया है तो इस परिवार का हो गया ये, तो संचय हम लिख सकते हैं। परम प्लस तू, परंतु आ गया, ठीक है। जैसे सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण हो गया, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो दूसरा नियम देखते हैं नीचे, यहाँ पे कहा है यदि म का मेल, अब यहाँ ये देखो कि यदि म का मेल य र ल व और इन स और ह से हो रहा है, कहने का मतलब य र ल व का मतलब अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और स तीनों स और ह का मतलब ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, यदि म का मेल किससे हो रहा हो, अंतस्थ से या फिर ऊष्म से, तो इनके आपस में मेल पे ये जो म है सदैव अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखो उदाहरण, इधर लिखती हूँ उदाहरण, जैसे शब्द दिया हमारा सम प्लस योग। अब ये बताइए अंतिम वर्ण क्या है, म, प्रथम वर्ण क्या है, अंतस्थ व्यंजन हो गया य, दोनों का आपस में मेल होगा, ये म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। यहाँ पर ज्यों का त्यों आ गया, ये शब्द यहाँ पर ये बचा हुआ आ गया, आपको पता है अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा और शब्द हमारा क्या हो जाएगा, संयोग। अब आपको एक बात याद आ गई होगी, मैंने आपको बताया था यदि बच्चे के पीछे दादाजी ना दिखाई दे, अब ये कौन आए हैं, बच्चे के पीछे नाना जी आए हैं। अब हमको पता है, हमने कहा था नाना जी या नानी जी आए तो वो बच्चा कौन होता है, अनुस्वार होता है, 8 लोगों का एक ही तो बच्चा है। अब हमें पता है वो 8 लोग कौन से हैं, य र ल और व और तीनों स और ह, ये 8 नाना जी और नानी जी हैं, जब हमने बताया था इन सब का एक ही बच्चा है, यानी जिस भी अनुस्वार के बाद आपको इन 8ों में से कोई सा भी वर्ण दिखाई देगा वो अनुस्वार है, कौन, अनुस्वार ही है, वो कोई पंचमाक्षर नहीं है। तो ये तो हमारे नियम ने भी बता दिया हमको, उतार लो इसको, सारी चीजें आपके एग्जाम में आने वाले शब्द जो अक्सर आते हैं, जैसे संशय वर्तनी लिखने को आ जाता है, संहार वर्तनी लिखने को आ जाता है, संविधान, संरक्षक, संसार आ जाता है, आपसे पूछ लेगा संसार में कौन सी संधि है, आपको पता है सम प्लस सार व्यंजन संधि है, आपसे पूछ लिया संविधान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, सम प्लस विधान, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है इनके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सम उपसर्ग लगा है, ठीक है, उतार लीजिए। अब हर चीज को ना देख के समझ लेंगे, जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो
इसके बाद उतार लिया ये, चलो ये चीज उतारने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास लिखा हुआ है, मैं सिर्फ अभ्यास के लिए बताया है।